दुर्ग की बात करेंगे, जहां जान के लिए आफत बने होर्डिंग। होर्डिंग का फ्लेक्स बाइक चालक पर गिर गया है। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाल बाल बची राजेंद्र पार्क चौक के पास की घटना। हालांकि घायल हो चुका है ये युवक। आप देखिए ये फ्लेक्स कैसे जो कि एक बाइक चालक है उस पर गिरा। सबसे बड़ी बात यह कि जान बच गई। पास की ही घटना है ये राजेंद्र पार्क चौक के। शहर में तेज तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। न्यूज 18 ने जर्जर और नियम विरुद्ध लगे होर्डिंग को प्रमुखता से भी दिखाई थी, और इस खबर को भी दिखाने के बाद देखिए किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ऐसे में बाइक सवार की जान पर बात आई, और बड़ी बात तो यह है कि वो बच गया। हालांकि उसे चोट आई है, लेकिन अब अस्पताल में भर्ती है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद हर कोई एक्शन में नजर आया, लेकिन यहां दुर्ग में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जस के तस होर्डिंग और फ्लैक्स पड़े हुए हैं। रूप से यही खबर को हमने अपने चैनल के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से जान लोगों की जा सकती है और किस तरह से वर्तमान स्थिति है होर्डिंग की, क्योंकि सड़क के किनारे लगे हुए हैं, कुछ एकदम सड़क के ऊपर में लगे हुए हैं, कुछ की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि यदि वो कहीं गलती से गिरे तो कोई भी इसके नीचे आएगा तो वो बच नहीं सकता, और वो काफी जर्जर भी हो चुके हैं। इन तमाम चीजों की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद में देखिए प्रशासन जब कोई सुधरे एरिया तो उसके बाद किस तरह से हादसा हुआ। एक दिन पहले ही जस्ट यहाँ पर तेज तूफान आंधी आई थी, उसमें ठीक ऊपर में लगा हुआ था, छत में लगा हुआ था एक होर्डिंग, उसका जो फ्लैक्स है वो तेज तूफान के कारण उड़ता हुआ सीधा जो वहां से राहगीर जा रहा था उसके ऊपर में आ गया, और वो लड़खड़ाते हुए उसके ऊपर इतना गिरा कि वो कुछ देख भी नहीं पाया, सीधा वो नीचे गिर गया और काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान नहीं गई है, लेकिन इस तरह से जो लगातार लापरवाहियां बढ़ती आ रही है वो कहीं ना कहीं घातक हो रही है, और कई बार ये प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाने के बावजूद भी सिर्फ बैठकों तक ये सीमित रहता है, सिर्फ आदेशक तक ये सीमित होता है, कागजों तक ये बात रहती है, लेकिन धरातल पर जब आते हैं तो वो कोई ग्राउंड में कोई असर इसका दिखाई नहीं देता, और यही वजह की इस तरह के हादसे हो जाते हैं जी। लेकिन मिथिलेश, ये बाइक सवार कौन था, कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, अब अस्पताल में इसको क्योंकि भर्ती भी किया गया है, ठीक है, क्या स्वस्थ है? देखिए बाइक सवार की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये पूरा घटना है ये शहर के बीचों बीच दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक के समीप घटित हुआ है, और जहां से हजारों लाखों लोगों का आना जाना प्रतिदिन होता है वहां पे जब इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से काफी चिंतनीय विषय होता है, क्योंकि आज एक बाइक सवार है, वहां से हजारों लाखों लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है, शहर के बीचों बीच का हिस्सा है, यदि इस तरह की घटना कोई और हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो काफी हाइट में जो लगे हैं होर्डिंग, उनकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, क्या उसकी देखरेख करने वाला कोई है, जर्जर हो गया है तो उसको कौन बनाएगा, ऐसी तमाम बातें हैं जिसको प्रशासन को ध्यान देना बेहद आवश्यक है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश।